ठीक हो गया सर, आपकी आवाज ठीक नहीं है डॉक्टर साहब, आप आपसे दोबारा कनेक्ट करते हैं। मुसलमान खोकर साहब, ये फरमाई का सर, ये इंसाफ कैसे होगा, क्योंकि इनको भी रिजर्वेशन है, उनको भी रिजर्वेशन है, और आपकी जो पुरानी पार्टी उसको भी रिजर्वेशन। शुक्रिया चौधरी साहब, ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा कि हम बैठ कर पाकिस्तान में या आपके टॉक शो पे बैठ कर ये गुफ्तगू कर रहे हो। पिछले कितने सालों से, जब से पैनामा का स्कैंडल आया, हम बैठ कर यही गुफ्तगू कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तारीख भी आपके सामने है कि जिसके अंदर 90s की एरा में जो शहीद बीबी के ऊपर जो केसेस बनते रहे, जो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस बनते रहे, और उससे पहले जो 70 की दहाई थी, 80 की दहाई थी, उसके अंदर जो केसेस बनते रहे। हमारा अलमिया देखें कि 75 साल गुजरने के बावजूद आज तक हम इस चीज पे कंसेंसस नहीं क्रिएट कर सके कि पाकिस्तान में इंसाफ करने वाला इदारा जानिबदार है या गैर जानिबदार है, ठीक, और कैसा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए। और हम हुकूमतों में भी आते हैं, हुकूमतों में आके जो कवानीन जो हमें सूट करते हैं, ठीक है, उनको हम कायम भी रखते हैं, और जब हम हुकूमत से बाहर निकल जाते हैं तो वही कानून जिनको हम इस्तेमाल करते हैं उस वक्त की ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करने के लिए, कहते हैं वो बड़ी ज्यादती हो गई। हमने इन 75 सालों में, चले ये आपस के अंदर जो अशराफिया की जो लड़ाई है उसमें तो चले ठीक है, क्या हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी कि इस मुल्क के अवाम के लिए हम इस यहां पर जुडिशियल रिफॉर्म्स लाकर ऐसा इंसाफ का निजाम खड़ा करें कि जिसके के आज अगर किसी भी शख्स को, मेरे भाई वकील है, मेरा भी इसी पेशे से ताल्लुक है, आज हम क्या कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 20 साल से पहले किसी दीवानी मुकदमे में किसी को इंसाफ मिल सकता है? क्या हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि आज किसी भी फौजदारी मुकदमे में जो प्रोसिक्यूशन है या पुलिस की जो एविडेंस कलेक्शन है वो ठीक है और करप्शन से पाक है? नहीं। अगर हम 75 सालों में ये इदारा नहीं खड़ा कर सके तो फिर हम ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चौधरी साहब अदब से एक आध मिनट और लूंगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 3 साल में हुकूमत में रही हैं, ठीक, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, अपने मसाइल तो खत्म हुए, बाप एएनपी, कौन सी ऐसी सियासी जमात है कि जो पाकिस्तान में इक्तदार में इन पिछले 3 सालों में ना रही हो? अपने मसाइल तो खत्म हुए, उनके अवाम के मसाइल खत्म हुए। इवन वो सूरत ये इंसाफ की कि मियां शबाशी साहब की हुकूमत है, लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं मियां नवाशी साहब, वो नहीं आ सकते पाकिस्तान पिछले 14-15 महीनों में, चाहते नहीं है ना। अगर जो इधर फेस कर रहा है 180 मुकदमात के साथ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, ऐसा इंसाफ मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ भाई, कातलाना हमले हुए 180 मुकदमात में रोज 8 से 10 केसेज में पेश होते हैं, पेश हो रहे हैं ना आपके सामने हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनके मुखालिफ बैठी हुई हैं, खा वो पीडीएम की जमातें यहां फेडरल में हो या इवन उनके नाम ही नहीं बैठे हुए हैं आपके पंजाब में और केपी में। आप बता दें, ही इज फेसिंग, सॉरी आपको बड़े अदब से सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें, कि खान साहब भी अमेरिका में जाकर खड़े होकर वहां पर भी ये कहते थे कि मैं एसी उतरवा लूंगा तो मैं ये कर दूंगा, राणा सनाउल्लाह साहब पे मुझे जरूरत पड़ी। तो इस सारे सियासत के खेल में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने अपने हिस्से का इस मामले को बिगाड़ने में किरदार ना अदा किया हो। वो बशीर मेमन साहब थे DGFI, उनको बुलाया, उनको कहा फलाने फलाने फलाने, मेरा नाम भी उसमें था कि मुकदमे दर्ज करो उनके ऊपर, ठीक, तो हर किसी ने किया। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, बल्कि मरियम नवाज साहबा के बारे में जो अल्फाज कहे ना उन्होंने, वो बयान नहीं किया जा सकता। तो चौधरी साहब, कहने का मकसद ये है कि हम 75 सालों से सिर्फ एक ही गुफ्तगू करते चले जा रहे हैं। हमने इस मुल्क को कभी बदलना भी तो है, निजाम भी तो ठीक करना है, और वो ठीक करने की ना कैपेसिटी किसी में नजर आ रही है, ना किसी के अंदर इंटेंशन नजर आ रही है। इंटेंशन यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि किसी भी सूरत इक्तदार हासिल करो, पावर पॉलिटिक्स है, इक्तदार हासिल करने के बाद माल बनाओ और बस घर से अपने केस खत्म करो और बाकी पाकिस्तान के केस सारे मैटर ही नहीं कर रहे। अच्छा, लेकिन इसमें मुसवा साहब एक बड़ी मजेदार चीज है कि लोग सभी कह रहे हैं कि वकला हो ना तो इमरान खान साहब जीने चाहिए, बाकी पार्टियों को ये सारे वकला जो ना हायर करने चाहिए कि देख लें कि पूरी स्टेट लगी हुई है, लेकिन ये केस किसी तरफ कोई एक बेमटेरियलाइज ही हो रहा। छोटी सी ब्रेक को ब्रेक